बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी साथ में आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिल पा रही है कि गठबंधन में ये चुनाव आरजेडी और कांग्रेस लड़ सकते हैं। आरजेडी 7 सीटें मांग रही है और अगले 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आरजेडी साथ आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर, आरजेडी इन चुनावों में 7 सीटों की मांग कर रही है, अगले 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। खबर इस वक्त जो हमें मिल पा रही है, गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, कांग्रेस और आरजेडी दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं और मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन आरजेडी 7 सीटों की मांग कर रही है, 70 विधानसभा सीटों में 7 सीटों की मांग आरजेडी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में यह गठबंधन होता है या नहीं होता है। 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तरुण कालरा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तरुण, क्या जानकारी, आरजेडी 7 सीटों की मांग कर रही है, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी तक पहली लिस्ट सामने नहीं आई है? देखिए, पहली लिस्ट तो किसी भी पार्टी के सामने नहीं आई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला जातीय समीकरण और स्थानीय विधायक को घेर कर किया जा सकता है, इसीलिए जाति समीकरण यहाँ पर बैठाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अंदर बहुत नाकारा स्थिति के अंदर भी नहीं है, उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, ओबीसी और यादव वोट बैंक, लिहाजा आरजेडी ने अपना दमखम दिखाते हुए 7 सीटों की पेशकश की है। अब ये पेशकश बार्गेन तक आते आते कितने तक रिड्यूस होती है, कांग्रेस कोशिश करेगी कि उसको 1-2 तक रिड्यूस किया जा सके ताकि एक ही मंच पर आकर डट कर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला किया जा सके। दोनों पार्टियों का वोट बैंक सेम है, अगर माइनॉरिटीज के साथ साथ दलित के साथ साथ ओबीसी वोटर कांग्रेस के पाले में आ जाता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। 2 दिनों के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी। एक दौर की मीटिंग हो चुकी है, आरजेडी ने अपनी पेशकश कर दी है, कांग्रेस ने उसको खारिज नहीं किया है, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इतनी भी मरी स्थिति के अंदर आकर गठबंधन करेंगे तो भविष्य के भी जो अवसर हैं पार्टी को उठाने के उस पर सवाल उठ सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी थोड़ा बार्गेन कर रही है, लेकिन 1-2 दिनों तक स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए सकारात्मक रुख में जरूर दिखाई दे रही है। क्या सीटें सामने आ पाई हैं, 7 सीटों की मांग कर रही है, कौन कौन सी सीटें जहां पर आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं या ओबीसी या यादव वोट बैंक की बात कर रहे हैं, सीटें साफ की गई हैं कि 7 सीटें कौन कौन सी सीटों की मांग कर रही है? देखिए, जैसे पूर्वांचल की सीट की किसी की बात होती है तो ऐसा कोई हार्डकोर ये कहें कि वहां पर सिर्फ पूर्वांचली ही जीतेगा, वहां सब जगहों पर पूर्वांचल का वोट बैंक ठीक ठाक है, यानी कि बहुत ज्यादा डिसाइसिव तो नहीं है लेकिन न्यूट्रल है कि अगर एक तरफा पड़ा तो किसी पार्टी को या कैंडिडेट को एज मिल सकता है। उसी तरह से ओबीसी का वोट बैंक कई सीटों के ऊपर निर्णायक भूमिका में जरूर है। कम से कम नहीं तो 18 सीटें बताई जाती हैं आरजेडी के सूत्रों से कि पार्टी अगर एकजुट होकर लड़ी कांग्रेस पार्टी से तो किसी भी पार्टी को वो कड़ी चुनौती दे सकती है। जब सीटें का खुलासा करने के लिए हमने कहा तो उन्होंने अभी कहा कि ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, लिहाजा अलायंस डीरेल ना हो जाए, अभी हुआ भी नहीं है, इस तरह की अपरिपक्व चीजें वो अभी बताना उचित नहीं था, ये आरजेडी के संपर्क सूत्र हमें बता रहे थे। लिहाजा अभी सीटें सामने नहीं आई हैं, हो सकता है कि आलाकमान से उन्होंने सीटों की फहरिस्त जरूर सौंपी हो और कुछ एक सीटों के ऊपर कोई बड़ा कांग्रेस का उम्मीदवार हो तो वहां पर तैयारी भी ऑलरेडी शुरू कर चुका है, ऐसे को खतरा है तो सीटें बताने से परहेज किया जा रहा है। लेकिन नंबर बताए गए हैं कि 70 में से 7 सीटें आरजेडी को चाहिए, लेकिन जिस तरह से कह रहा हूं मैं कि शुरुआती पेशकश है, क्योंकि बार्गेन किया जाता है, 7 सीटें मांगेंगे तभी तो 2-3 मिलेंगी, लिहाजा उसी तरह की टैक्टिक्स में आरजेडी दिखाई दे रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।